ये लेके आई हूँ मैं, अभी इसको खाते हैं उसके बाद कहीं चलूंगी मैं। गुड मॉर्निंग, तो आपका स्वागत है आज मेरे बांग्लादेश के दूसरे दिन में। और मैं अभी हूँ गुलशन एरिया के साइड, जो मेरा होटल है वो गुलशन एरिया के साइड है। जो गुलशन जो है बहुत पॉश एरिया है, मतलब हमारा जैसे कि मुंबई का साउथ गोवा, सॉरी मुंबई का साउथ मुंबई, दिल्ली का साउथ दिल्ली, इस टाइप का एरिया है ये हमारा बांग्लादेश में गुलशन एरिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो है, अभी मैं रेडी हो गई हूँ नहा हुआ के, तो अभी मैं निकलूँगी कुछ खाने के लिए और कुछ पैसे भी विड्रॉल करने हैं। तो आज आपको मैं ढाका सिटी दिखाती हूँ, कैसा होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है मार्केट में, वो सब मैं दिखाती हूँ। बाकी मैं ये बताना चाहूँगी, काफ़ी कंफर्ट था, काफ़ी अच्छा था, ये बहुत अच्छा रहा। अब चलते हैं बाहर, दिखाती हूँ मैं बाहर का ढाका कैसा होता है दिन में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बैल्कनी दिखा देती हूँ, जो मैंने कल रात में आपको दिखाया नहीं था, जो अपार्टमेंट मैंने लिया है यहाँ पर, वो मैं दिखाती हूँ आपको बैल्कनी। ये देखो बालकनी, ये जो है ये काफ़ी, ये इसको मैं खोल देती हूँ, ये देखो बहुत अच्छा एरिया है। आपको लगेगा ही नहीं भाई कि ढाका में है, बहुत सुंदर एरिया है। नीचे थोड़ा सा कचरा वगैरह है, वो अलग बात है, इसको देखते हैं। तो ये रहा पूरा नज़ारा, चलिए बाहर चलते हैं। तो ये रहा नज़ारा, तो चलिए आज बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं ढाका सिटी अच्छे से आज दिन में, और कुछ खाते भी यहाँ का जो फेवरेट चीज़ है वो टेस्ट करेंगे आज कैसा होगा, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो काफ़ी मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने वो मेरी इंडिया टू बांग्लादेश आने की जर्नी नहीं देखी वो वीडियो, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी अभी चलते हैं ढाका सिटी घूमने और एक्सप्लोर करते हैं ढाका सिटी को। तो ये है मतलब गली हमारा, इधर से मैं आई थी, ये वाला मार्केट एरिया है। तो जाते हैं कुछ देखते हैं, रिचार्ज भी करना है मुझे फ़ोन, तो रिचार्ज करके खाते हैं कुछ। तो ये मैं बिरयानी लेके आई हूँ, पता नहीं यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर में चिकन और राइस है, तो ये बिरयानी है, ये लेके आई हूँ मैं, अभी इसको खाते हैं उसके बाद कहीं चलूँगी मैं घूमने के लिए। अभी गई थी तो मैंने लेके आ गई ये वाला, देखते हैं कैसा टेस्ट होता है खा के। मुझे ये पानी का बोतल एक मैंने लिया, ये पानी का बोतल मुझे 15 बंगाली टका का पड़ा है। तो ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप प्राइस भी देख सकते हैं, मैं प्राइस आपको दिखाती हूँ कहाँ पे है। ये रहा प्राइस, ये जो है आपका 15 बंगाली टका यहाँ पे लिखा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन 15 रुपये मुझसे लिए। तो ये है पानी का बोतल मैंने लिया है एक, तो ये रहा। बिरयानी काफ़ी अच्छा था, मैंने टेस्ट किया, मतलब मुझे लगा कि वाइट वाइट दिख रहा है, पता नहीं कैसा होगा, बट टेस्ट बिरयानी से भी बेस्ट था। कच्ची बिरयानी, कच्ची बिरयानी का छोटा भाई कह सकते हैं, कच्ची बिरयानी नहीं कह सकते, क्योंकि ये मैंने अपने गली से, जो मैं जहाँ पे रह रही हूँ उसी के गली में सुबह सुबह खुला था, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट क्या करना, बिरयानी ही टेस्ट कर लेते, तो मैंने बिरयानी ही ले लिया था। तो ये मतलब कच्ची बिरयानी टाइप में ही था, मतलब वाइट वाइट ऊपर से चावल टाइप में, अंदर में चिकन और एक एग था, काफ़ी टेस्टी था। बाकी जो कच्ची बिरयानी जो है ये ढाका का फेमस है, ठीक है, तो ढाका का फेमस है, तो ढाका का जो कोई कोई प्रॉपर जो है नाम का, जैसे कि हमारे तरफ भी होता है ना, कोई फेमस होता है, जैसे कि कोलकाता का अरसलान बिरयानी,
उस टाइप का कुछ नाम होता है यहाँ भी, तो मैंने पता किया था। तो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, मैं जाऊँगी उस दिन बताऊँगी कौन सा है, तो वहाँ पे जाके मैं टेस्ट करूँगी कच्ची बिरयानी। बाकी कच्ची बिरयानी टाइप में ही था, काफ़ी बेस्ट था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो काफ़ी टेस्ट अच्छा था। बाकी अब बाकी एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे कि अभी जो मैंने है HDFC का मेरे पास कार्ड है, तो HDFC का मैंने अभी 1,000 रुपये निकाले, अभी बंगाली टाका 1,000 निकाले, तो उसमें मुझे एक भी चार्जेस नहीं लगे, एक्स्ट्रा चार्जेस जो कटते ATM के वो नहीं लगे। 1,000 में मुझे 800 कुछ रुपीज़ ही मेरे कटे, मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने रास्ते में चेक किया था, तो 800 कुछ रुपीज़ ही कटे थे, तो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। अगर मैं मनी एक्सचेंज भी नहीं करवाती तो मेरे लिए काफ़ी बेस्ट था, मैं यहीं आके पैसे विड्रॉल कर सकती थी, तो ये मेरे लिए बेस्ट था। बाकी बिरयानी के टेस्ट जो मैंने आपको बता दिए हैं, और आज की वीडियो में बस मैं इतना ही, क्योंकि मैं अभी गई थी कि मैं जाऊंगी ढाका, तो थोड़ा बहुत मुझे धूप दिखा, तो मैंने सोचा कि आराम से निकलेंगे, अभी कुछ खा लेते हैं, तो वही मैं बिरयानी लेके आ गई, मैं निकल नहीं पाई, तो मैं निकलूँगी, उसके बाद मैं देखती हूँ ढाका सिटी में कुछ फेमस चीज़ें, बाकी बाकी जो है मेरा बिरयानी भी ले खाने जाऊंगी मैं, जो फेमस बिरयानी है यहाँ का। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही, पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर डाल दीजिएगा कि क्या पसंद नहीं आया, ठीक है, ताकि मैं आगे इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी। बाकी हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जो है वीडियोज़ मेरे चैनल पर आते रहेगा, और जो है मैं नए नए जगह एक्सप्लोर करती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।